सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोकवाज टीवी ते मैं मनिंदर जी सिद्धू। जिवें तुहानू पता ही है कि कल गुरद्वारा गंगसर साहिब विच इतराज योग समगरी इतिहासक खूह विच मिलण तों बाद मामला भाग गया सी, जिस तों बाद पुलिस प्रशासन भी आया, लोगों का इकट्ठी वधना शुरू होया, धरना भी जारी होया। तो जिहड़े मुलाजमान ने यह सब कुछ इत्थे कीता, जिन्हां मुलाजमान ने इत्थे जेकर जिवें संगत का इतराज सी कि गैर जनानियां लियांदियां, उस तों बाद इत्थे जिहड़ी इतराजयोग समगरी मिली, जिन्हां मुलाजमान की वजह ने सब कुछ होया, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की मंग सी। तां कार्रवाई की मंग सी कि उन्हां नूं नौकरियों लांभे कीता जावे, जिस दे बाद जिहड़ी SGPC की टीम आई सी उन्होंने काफ़ी लंबा समा जिहड़ा कि उन्होंने कन्नी कतराउंदे रहे, सस्पेंशन ते रहा। तां उस तों बाद शाम देर रात तक जो धरना चलिया तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के यूनियर मीत प्रधान बाबा बूटा सिंह जी पहुँचे तो उन्होंने भरोसा दवाया। तो की उन्होंने भरोसा दवाया, किस भरोसे से धरना चक्या गया, गलबात करने लिए साडे नाल ने बीबी रजिंदर कौर जी, जो कि सारे मसले को देख रहे हैं, जिन्होंने ये मसला उठाया सी, उन्होंने गलबात करते हैं। बीबी जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बीबी जी, कल तुसी धरना लाया, जो इतराज योग समगरी मिली है, किस जिहड़ा भरोसे के उत्ते धरना चक्या गया? फिर मनिंदर जी, मैं तुहानू थोड़ी जी बैकग्राउंड दसना चाहवांगी। हाँ जी। क्योंकि पारक जां सेवादार हैगे ने, वो गैर जनानियां लैके आए रात नूं 9:30 कार च। ठीक है जी। उन्होंने कैमरे की रेंज तो बचदिया होया वो कार लाई सरां दे नेड़े जाके जिथे कैमरे की रेंज आनी। ठीक है जी। वो सवेरे 4 दे करीब इत्थों निकल भी गए। ठीक है जी। जदों गैर जनानियां लैके आए तो जिहड़ा इत्थे सेवादार सी ना बलराज सिंह, वो बेचारा है तो भावें कच्चा मुलाजम पर उसकी जमीर जागी। ठीक है जी। अकाल पुरख वाहिगुरु ने तो सेवा ली कि मस्से रंगड़ का सिर वढ़न वास्ते कितों राजस्थान तो सिख चले सी। हाँ जी। सुखा सिंह ते मताब सिंह सेवा ली बलराज सिंह तो। ठीक है जी। बलराज सिंह ने फोन किया अपना वीर है गुरमीत सिंह कालू तेली महल। ठीक है जी। गुरमीत सिंह कालू नूं कहिंदा वी कालू वीरे तू आ जा, इत्थे आ काम बनया है सरां दे कमरा नंबर 1 ते 2 विच गुरवाज सिंह ते सिकंदर सिंह जनानियां लैके आए है, मीट शराब खा रहे, तू आ जा। हाँ जी। गुरमीत सिंह कालू ने फोन किया लखविंदर सिंह लखा प्रधान सबका MSC है। ठीक है जी। उन्होंने कहा भी आ जा भाई आप चली उत्तों फड़िए। वो कहता नहीं भाई आप नहीं जाते, आप मोहतबर मंदिर ना लीजिए। इन्होंने भाई गुरुद्वारा साहब के मैनेजर साहब ने फोन किया, जो कि इतने बगराड़ी पिंड 8 किलोमीटर दूर। हूँ मैनेजर साहब है, 50-60 हज़ार तनखा है, सारा दिन AC च बहते हैं, वह तो आना बनता सी। 10 उन्होंने रात को फोन गया, वो आया नहीं। वो आया नहीं तो यह भाई ने कालू ने फिर आपके एक होर दोस्त को फोन किया सुखविंदर सिंह बब्बू को, बब्बी ने वो रिकॉर्डिंग भी इस तुम दे देंगे। कालू कहता भी भाई आप किमें जाइए, भी आप कले हाँ, अगों अंदर अगले फाहा लै जाए, आप बहरों कुंडा ला जाइए, घुटना वापर जे, आप जाते नहीं। ये बेचारे डर के ये मन्ने है, साढ़े को साढ़े को पेन ड्राइव च पाई पई सारिया गल्ला। कालू कहता भैन असी कले होने करके डर गए। वो भाई इतने चुप नहीं किया, जोड़ा बलराज सिंह ना वह बेचारा मैनू जानता नहीं सगा, मैं भी नहीं उन्होंने जानती सी। इतने एक मुंडा धर्मेंद्र हुंदा सी सेवादार, हुणे ही उहदी बदली होई आनंदपुर साहब 5-7 दिन ही होए, उन्हें दर्शन सिंह के बेटे धर्मेंद्र नूं फोन किया उसे रात ही कि मैनू बीबी रज्जी का नंबर दे दे। ते ओ धर्मेंद्र सिंह ने मेरा नंबर नहीं दिता, नहीं तो रात में ही बाबा नानक सेवा लैंदा, आपां कप के टोकरे च पा देने सी, जां मर जांदे जां मार दिंदे। मनिंदर सिंह वीरे एडिया गल्लां आपदे सामने असीं बर्दाश्त नहीं सी करदे। वह रात नूं गल होई नहीं बड़ी, मैनेजर साहब दे मन दा पाप इहने 8 तरीक नूं किसे नूं नहीं दस्या। ठीक है। दसिया ही नहीं। मंड साहब नूं फोन करता जो अपने SGPC मैंबर है, तो दफ्तर नूं ना कोई निक्का मोटा हल्का जिहा कारण दस के उहदी बदली कराती सुखमंदर सिंह दी। मैं परिवार समेत गई भी सी आनंदपुर साहब। मैं 12 जून की रात नूं मुड़ी हाँ। गुरु नानक साहब गवाह भी असी रात नूं किन्ने परेशान होए हाँ, साढ़े दिमाग ते किन्नी टेंशन सी भी करिए तां की करिए, कदे जी करे इन्हां दीआं लत्तां तोड़िए, कदे कुछ करिए। फिर भाई 13 तरीक की सवेरे, 13 तरीक की सवेरे मीह पै रहा सी, असीं सारे सिखां नूं इकट्ठा कीता। ठीक है जी। असीं जसवंत सिंह धारीवाल कोल गए, गुरपाल सिंह जी कोल गए, उजागर सिंह मक्कड़ कोल गए, गुरबचन सिंह जी कोल गए, जसविंदर सिंह काके डाक्टर कोल गए, तो सतपाल सिंह खालसे कोल गए भी आपां इकट्ठे होकर मैनेजर कोल चलते हैं। असीं आ गए भाई मैनेजर कोल। मैं मैनेजर का गलमा फड़ लिया, मैं कहा मैं तेरा गल घुट के मारूँ, सच दस दे। वह दसदा नहीं सी भाई, बहुत आनाकानी की, गुरु नानक साहब गवाह, सारी संगत गवाह। मैं बड़ा डरा के उह लिखाया, मैं कहा जे तू ना दस्या तैनू मैं मारूँ। कहिंदा भैण मैनू सलफास लिया दे, मैं कहा सलफास खा लै ते ना मेरा लैदी। लिखण लगी थी अर्जी, लिख दी चिट्ठी कि रज्जी भैन ने मैनू भाई डराया धमकाया कुटिया तो मैं मर गया। मैं कहा सच दस के जा। वो तो भाई असी लिखा लिया, उन्हें मनिया भी मैंने रात को कालू का फोन गया, मैं आ नहीं सकिया। वह मनिया, वह चिट्ठी आप SGPC दे आए, अपने को भी पई है, तुम भी लै लियो। ठीक है। भाई जो मन पिया फिर असी सारा कुछ एविडेंस इकट्ठे करके रिकॉर्डिंग सारिया असी
दफ्तर पहुंच गए 14 तरीक नूं। उत्थे अर्जन देव जी महाराज जी का गुरपुरब सी ते पर दफ्तर च सी छुट्टी। मैं सकत्तर साहब नाल गल कीती, मैं बीबी जगीर कौर नाल गल कीती, और रिकॉर्डिंगां वी तुहानूं दे देंगे। बीबी जगीर कौर ने मैनेजर भेजिया ते सकत्तर साहब ने पीए भेजिया, उन्होंने सांझे तौर ते आके साडे तों दरखास्तां लै लईआं। उस वेले सानूं गुरसंजुक्त सिंह फलाइंग मैंबर दा नंबर देता कि भैन जी ये बंदा सवेरे तुहाडे कोल आउ। गुरसंजुक्त सिंह सवेरे साडे कोल सदियां पहुँच गया, बेचारा 4 वजे दा आपदे पिंडों चलिया, वधिया गुड बंदा, उन्हें वधिया इनकुआरी की, एक एक बंदे दे उन्हें रिकॉर्ड पा लिया, असीं उन्हें पेन ड्राइव च पा के सारे प्रूफ देते, सारा कुछ हो गया, सारा दे प्रूफ देते। असीं पिछली घटना भी दसी कि अज तो 4 साल पहला जसवंत सिंह धारीवाल ने ते जसविंदर सिंह काके डॉक्टर ने इसे दोषी सुखविंदर सिंह नूं देग वाले कमरे च जनानी समेत फड़ लिया सी। पर उदों साडी माड़ी किस्मत, साडा SGPC मैंबर 62 उहदा हशर माड़ा ही होया, तो परमात्मा नूं होर भी सजा देगा, उन्हें बंदे छड़ा ले। कहिंदा प्रेस ते पुलिस नूं ना दिओ, बदनामी हुंदी है जे उदों ही फड़े जांदे, अज एडे एडे वड्डे काम होर ना वापरदे। फिर भाई की वापरिया, कहिंदे पापी नूं मारन लई पाप महाबली हुंदा, गुरु नानक साहब ने कला वरताई, सारे काम हो गए। 3 क बजे 2:30 बजे वह वीर जी गुरसंजुक्त बोलता है, कहिंदा भैन जी खूह की भी सफाई करा लो। मैं कहा भी खूह की सफाई होनी मुश्किल है, खूह पुराना, उहदे विच आक्सीजन है नहीं, जाऊ किहड़ा। कहिंदा भैन मेरी ये हुण तां इह एविडेंस बन जू, बाद च बनना नहीं, क्योंकि बाद च कीता कि ने खूह खोलिया करिया ते हुण मैं कोल खड़ा। भाई इत्थों ही नौजवान मुंडे कहिंदे भी भैणे असीं टोकरियां बन के रस्सियां राहीं सिटदे आ। मैं कहा भी कोई भुल के विच ना जावड़ी, उह पुराना खूह आक्सीजन है नहीं, भी कोई घटना वापर जू। उह भाई बोतलां तां बाहर ही दिखी जांदियां सी, बीयर वगैरह दियां पईआं, ते भाई उहनां नूं महाराज ने सज़ा देनी सी। जदों खूह विच टोकरी पाई, मैं महाराज तो डर के कहनी वे सच्चे पातशाह साढ़े मूँह चो जो शब्द ना निकलते तो चंगा है, भी साढ़े जीव गंदल दी है, तुहाडे कन्न कोड़ी दी है। उहदे विच्चों बीयर दियां बोतलां, शराब दियां बोतलां, मीट दे टुकड़े ते वरते हुए कंडोम निकले, मेरी जीव सड़ जे जो शब्द बोलदी दी। इन्हां पापियां ने मेरे गुरद्वारा साहब की हदूद च एडे पाप कमाए, वह इतिहासिक खूह गुरद्वारा साहब की हद च है, लंगर साहब के स्थित है। वह जदों इन्ना कुछ निकलिया, गुरसंजुक्त सिंह ते सारी संगत हिल गई, सारी संगत हिल गई। तो वह गुरसंजुक्त सिंह ने उस वेले आपका वड्डा अफसर सद लिया, कहिंदा भी ये एक्शन अज ही होना चाहिए। वह जो वड्डे अफसर आ गए, रियाड साहब आ गए, वह कहिंदे भी मैं इन्हां नूं सस्पेंड करता। संगत सी इत्थे 2000 बंदा, वह कहिंदे भाई सस्पेंड ते साडी संतुष्टि नहीं, जां डिसमिस करके जां मोर्चा लग गया। इत्थे सारा प्रशासन आ गया, SSP साहब आ गए, DSP साहब आ गए, अपने इंस्पैक्टर राजेश कुमार जी आ गए। प्रशासन ने बहुत साथ दिता, बहुत साथ दिता, बहुत साथ दिता, प्रशासन का धन्यवाद है। हज़ारां वारी, करोड़ां वारी, लखां वारी नाल दी नाल परचा दर्ज करके 295 लाती, कहिंदे होर धरावां भी वधावांगे। पर जिहड़ी आपां नूं SGPC तों आस हुंदी है, परसों दी घटना पहुँच गई सी, बीबी जी पैरी जुत्ती ना पाउंदी आ जांदी। मैं इत्थे भी भैण नूं फोन लाया, मैं कहा बीबी जगीर कौर भैणे आ जा, 2000 की संगत है, संगत का गुस्सा बेकाबू है, कोई घटना वापर जू, इन्ना प्रशासन खड़ा, इन्ना बंदियां नूं कुट के ही मार देणगे मैनेजर वर्गियां। कहिंदी भैण प्रधान नहीं आउंदे हुंदे, मैं तुहानूं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। तो मैं कहा भी करोड़ां अरबां रुपयां का अपना बजट है, इसे काम वास्ते प्रबंध वास्ते ही आपां श्रोमणी कमेटी बनाई है। अच्छा, इन्नियां कुर्बानियां होईआं तां श्रोमणी कमेटी होंद विच आई, किवें असीं ढंग नाल जप तप करके आपां नरेणू महंत वर्गे गुरद्वारे चो कढे। भाई मोर्चा बहुत भख गया, उस श्रोमणी कमेटी के जिहड़े फलाइंग अफसर सी, मैनेजर सी, वो अंदर ताड़े रहे कई घंटे। इत्थे संगत होगी 2-3 हज़ार, प्रशासन के बंदे भी हो गए 1000 के नेड़े, पुलिस प्रशासन के। तो बाबा बूटा सिंह जी नूं ये महाराज ने भी बीबी जगीर कौर ने फोन किया है, वह हैगे मीत प्रधान बाबा बूटा सिंह जी गुड़थड़ी वाले, उन्होंने नाल एडजैक्टिव मैंबर नवतेज सिंह कौणी, वो इत्थे पहुँच गए जी 10-10:30 बजे के करीब। उन्होंने आके लिखती भरोसा दिता सारी संगत नूं, लिख के कि ये 4 सस्पेंड तो हो गए है, 18 तरीक नूं एडजैक्टिव की मीटिंग डिसमिस होणगे ते सारा स्टाफ असीं बदलांगे। लिख के भरोसा दे के गए आ सारयां दे दस्तखत है, कहिंदे जे असीं 21 तरीक तक, 18 ते एडजैक्टिव की मीटिंग है, 21 जून तक असीं ना करा सके, असीं दोन्ने एडजैक्टिव मैंबर ते बाबा बूटा सिंह जी कहिंदे असीं इस्तीफा देवांगे आप। ये सारयां कोल वीडियो है, तुसीं भी लै लियो, तो लिख के भरोसा दे के गए हैं। तो संगत ने भाई ये मोर्चा चक्या, मैनू हुण भी सवेर दे हज़ारां सिखां दे फोन आ गए कि भैण किन्ने बंदे लैके असीं आई जन्ने आ। फिर मैं उन्होंने कहा भी भाई मोर्चा समाप्त हो गया, रात 11:30 बजे सारे गुरु नानक नाम लेवा सिखां नूं मैं तुहाडे राहीं अपील करनी चाहुंदी हाँ कि भाई मोर्चा रात बाबा बूटा सिंह जी गुड़थड़ी ते नवतेज सिंह जी कौणी, जो कि एडजैक्टिव मैंबर आ, उन्हां दे लिखती भरोसे नाल खत्म होया। 21 तरीक तक सारे दोषी डिसमिस हो जाणगे ते सारा स्टाफ नवा आजूगा। सारे सिखां दा धन्नवाद है भाई, जिथे जिथे मेरी आवाज़ जाती है, जिहड़े जिहड़े सिख कल पहुँच गए सी, हज़ारां सिख पहुँच गए सी, सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद। आपां सांझा मोर्चा सी, बाबे नानक ने अपने तो सेवा लई है,
गंद अपने तो साफ कराया गुरु साहब ने, तो सच्चे पातशाह करे साढ़े तो सेवा लेंदे रहे गुरु नानक साहब, इन्निया बेनतियां प्रवान करो। अच्छा एक गल दस्यो, बड़ा तुसीं सवेर दे इस चीज़ के उत्ते बई लगेगा तुसीं कई दिनों दे हो, उत्थे भी अमृतसर साहब भी जाके आए हो, इत्थे भी तुसीं लगे, जिहड़ा एक्शन है कितने ना कितने एस जी पी सी लेट हुई है ना उन्होंने लैन दे विच, बहुत लेट हुई है। लेट तो साढ़े मैनेजर साहब ने करता, 7 तरीक की रात में उन्होंने पता लग गया, एस जी पी सी उन्हें गुमराह किया, उत्थों कोई हल्का जहा कारण दस के एक बंदे की बदली करा लिया आ, एस जी पी सी तो लिख के दे के नहीं आया, यदा फर्ज सी नाल दी नाल मेल कढ़ता, एस जी पी सी इस बंदे ने गुमराह रखा, असी एस जी पी सी चानण कराया है 14 तरीक न, पर फिर भी चाहिए सी भी बीबी जगीर कौर आप आ जाती जां सकत्तर साहब नूं भेज दी, एडिया वड्डिया फॉर्चूनर वर्गियां गड्डियां उन्हां कोले, ते करोड़ां दा आपां सारे जाणूआं पढ़े लिखिया तेल मचा दिंदे इस साल दा, बिल्कुल इन्हां दी जिवें असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, यह भी तो एक बेअदबी है साडे गुरु घर की, यह बेअदबी तो इन्ना लेट जदों तुसीं एक फोन लाया तो बीबी जगीर कौर वालों यह कहा जाना कि प्रधान नहीं आउंदे, जदकि बेअदबी हो रही है गुरु साहब गुरुद्वारा साहब के विच, तो इहो जिहा बयान शुभद है कोई प्रधान, साडी बदकिस्मती है बई भी कौम नूं सही नुमाइंदे नहीं मिलते, बीबी का फर्ज सी पैरी जुत्ती ना पाउंदी, बेअदबी नहीं तो होर की है बई, ये इतिहासी खूह जी दे महाराजा रिप दमन सिंह रोज नाभे पानी मंगाउंदा हुंदा सी, डेली पानी जांदा सी नाभे, साढ़े गुरुद्वारा साहब की हद च है, लंगर साहब के विच है, सारा शहर उस खूह का पानी वरतद, मतलब बहुत वड्डी बेअदबी है। अच्छा ये देखो आप गुरुद्वारा साहब के मूर की जिम्मेवारी लंघते शीस झुका के लंघते हैं, उन्होंने गुरुद्वारा साहब के कमरा नंबर 1-2 एडिया बदफैलियां कीतियां, देग वाले कमरे च कीतियां, ये साड़ी बदकिस्मती है कि आप एक्शन लेट लिया, जा मनो आप सुहिरद है नहीं, एस जी पी सी सुहिरद है नहीं, ये अपनी बदकिस्मती है, असीं सारे सिख हो, तुसीं भी सिख हो, मैं भी सिख हां, ये अपनी बदकिस्मती है, बिल्कुल ये तो हर धर्म के बंदे का हिरदा बलूंदरिया गया इस चीज़ देना, तो साडा जिहड़ा सिख धर्म है ना ये सारयां दा सांझा धर्म है, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पढ़ लो, मीत सबन को अपन की ना हम सबना के साजन, अज तो रोज अरदास करते हैं सरबत का भला, यह तो बीबिया भैन जलों मीर मनु की कचहरी च बीबिया भैन ने सवा मन मक्की का गिला पीण पीठिया, बच्चों के टोटे करा के गलां चार पाए, तो सूइया खड़ा सी उस समय दे हुकूमत का, अरदास करके बीबिया कहंदियां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, तो सुइया रो पिया कहंदा असीं इन्हां दे बच्चों के टोटे करा के इन्हां दे गलां च हार पाए, साडा भी भला मंगी जांदी है, साडा तां वाही कॉन्सैप्ट ही है सरबत दा भला मंगना, सिख धर्म उच्चा सुचा धर्म है, विज्ञानिक धर्म है, तुसीं सारा पिछोकड़ वेख लो, हुण करोना च किन्ना सिखां ने सेवा की है, ये कुछ लोग माड़े लोग सिख धर्म नूं ढाल आ रहे हैं, पर ढाल लगती नहीं, साडियां जड़ां बड़ियां मजबूत है, साहिबजादियां दी शहीदी दा खून है, तुसीं समय समय से सिक्खी के प्रचार लई ते अजिहे कि मसलां दे उत्ते आवाज़ उठाउंदे रहिंदे हो, हुण जिहड़ा नवा कह के स्टाफ की बदली होगी, नवा स्टाफ आएगा, उन्होंने जिहड़ा डिसमिस कर दिता जाएगा, हुण तुसीं तुहानूं तुहाडी जे जिम्मेवारी है वह मैनूं लगता वध गई है कि पूरे जिहड़ा आने वाला स्टाफ है आने वाले समय के निगाह फुन हुण अगे तो चौकसी वधाओगे, जिम्मेवारी तो गुरु साहब ने अज तो 20-22 साल पहले ही देती सी मैनूं, मैं 20 पिंडां चों जित के इत्थे लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबर बनी हाँ, कोई ये नहीं सी जिन्ने साल लोकल कमेटी मैं उन्ने साल सेवा करनी है, मैं जद तक ज्योनी हाँ मेरा फर्ज है, गुरु साहब ने मैं सेवा दी है, फिर उदू वी गल कि असी सिखा के घर च जमे, गुरु साहब ने मैं बोलन की समर्था दी है, असी भाई सारी संगत ने कल 2000 सिखा का कट से 51 मैंबरी कमेटी बना रखी, अं पूरा ध्यान रखा करा, जड़िया कुताइया हुई सारे बराबर के गुनाहगार हैं भाई, जो असी पूरा गेड़ा रखिए, हाथी के सिर पर कुंडा हों, हाथी काबू च रहा है, तो साडा धार्मिक फर्ज बनता सी डेली आके ध्यान रखिए कि उनताइया देख के जाइए, हुण असी ध्यान रख्या करांगे भाई। एस जी पी सी तो उम्मीद है जिवें कल बाबा बूटा सिंह जी कह के गए है कि 21 तरीक तक तुहानूं रिजल्ट मिल जाएगा, उम्मीद है मैं 100% उम्मीद है भाई, ठीक है डिसमिस हो जाएंगे, हाँ जी ये 100% उम्मीद है भाई, एदू वड्डी घटना वापर नहीं सकती, तो नहीं हालात बिगड़ जाएंगे, ठीक है सारे शहरों से धरने लगनगे, मैं अच्छ सारे पंजाब चो पंजाब तो बाहरों भी फोन आए हैं, सीने जत्था लेके आ रहे हैं, सीनिया का जत्था लेके आए हैं, मैं सारे सिखां नूं अपील की कि मोर्चा रात 11:30 बजे खत्म हो चुके हैं, बाबा बूटा सिंह जी ते नवतेज सिंह जी कौन ही लिख के दे चुके हैं कि असी 18 तरीक की ऑब्जेक्टिव से मता पास करा लेना है, इन्हों का एक प्रोटोकॉल होंगे भी जे एकदम इन्हों डिसमिस करते हैं तो हाई कोर्ट च बहाल हो जाते हैं, हुण जदों ये आके जाके जिहड़े कल फ्लाइंग वाले आए सी आपकी रिपोर्ट देणगे, सारी संगत दे व्यू लए उन्होंने, सारा उन्होंने वेख लिया भी 295 लग गई नंबर नंबर दर्ज आओ FIR, तो वह हुण जदों जाके सारी ऑब्जेक्ट च विचारी जाऊगी और डिसमिस होंगे, मैं 100% उम्मीद है। प्रशासन ने पुलिस ने कंप्लेट दे के आए हो, कितने टाइम बाद परचा दर्ज करता सी? मैं कहने भी यहोजा मेरी जिंदगी पहली बार वेख्या, मैं यहोजी जिंदगी पहली बार दबंग इंस्पैक्टर वेख्या राजेश कुमार, 5 मिनटों च परचा दर्ज, इन्नी फास्ट उन्होंने टाइपिंग कराई भी आप कहने भी सच्चे पातशाह इन्होंने होर चढ़ती कला बख्शे, इन्होंने साडा बहुत साथ दिता है,
प्रशासन का आप देना ही नहीं दे सकते, वह भी रो पे क्योंकि जोड़ा समगरी निकली है ना सारी दुनिया के हिरदे वलूंदरे गए। मनिंदर सिंह तू मेरा बेटा है, मैं हजारा लोगों के फोन आए, मैं तेन वर्डिंग सुना सकते, लोग रो रहे थे, हिंदू कम्यूनिटी की बीबिया के फोन आए भी असं कल तो रो रहे, असं रोटी नहीं खाधी, कहते डेली मत्था टेकन जाने भी इन्होंने इन्ना पाप किया तो किया क्यों, ये ना समझो भी सिखां दे हिरदे वलूंदरे गए, सारी दुनिया ही रो रही है, सारी मानवता रो रही है कि गुरु घर साडी सारिआं दे है, गुरुद्वारा साहब का निशान जिते दिख जाता ना बंदा उत्थों कहिंदा भी इत्थे सानू शैल्टर भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, इत्थे असीं सुरक्षित हां। पुराने समयां च ना उदो वहीकल नहीं सी, हुण तां आपां बसां कारां ते जांदे आ, लोक तुर के जाया करदे, जिथे निशान साहब दिख जांदा जी खुश हो जांदे, इत्थे सानू शैल्टर भी मिलू, भोजन भी मिलू, ते सानू इज्जत भी मिलू, असीं सेफ है। इन्हां ने साडियां रोह रीतां गंदलियां कीतियां ना जिहड़े दो बंदिआं ने, गुरु नानक इन्हां नूं ऊं भी सजा देऊगा, तूं भी इत्थे ते मैं भी इत्थे, सारी दुनिया दे सामणे सजा काल पुरख इन्हां नूं देऊगा। मेहरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बीबी। ये सन बीबी रजिंदर कौर जी जिन्हां नाल असीं गलबात कीती, जिन्हां ने सानू दस्या कि जो बीती रात कार्रवाई की गई है, एस जी पी सी दे मीत प्रधान आए से इत्थे बूटा सिंह जी, उन्होंने वालों विश्वास दवाया गया कि 21 तरीक तक इन्हों नौकरियों लांबे कर दिता जाएगा, इन्हों नौकरी तो जरा पासे करके सख्त तो सख्त एक्शन होर भी लिया जाएगा, तो जी एफ आई आर दर्ज है वो धारावं वधा भी जरा भी कोशिश की जाएगी, होर धारा का वाधा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये पूरी मानवता के जोड़े हिरदे वलूंदरे गए हैं कि साढ़े नाल ने कि जोड़ा सारा रात घटनाक्रम होया एंड की भरोसा दवाया गया कि सब कुछ वापरे। ये मेरे बाबा बूटा सिंह जी ना हुने हुने ही गल हुई है, उन्होंने सानू विश्वास दवाता भी असी कार्रवाई रात ही करती सी। अच्छा, तो हुण मैनू कहिंदे सी कि भी तुसी जाके बीबी जी ना भी जाके गलबात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि बाबा बूटा सिंह जी ने भी सारा कुछ कार्रवाई करती आ। अच्छा, कार्रवाई हो गई है? कार्रवाई हो गई आ, ते भी आने वाले समय दे विच सानू ये सारा नतीजा तुहाडे सामने आ जूगा, सामने आ जूगा। बस तो इतने दस दिए कि बाबा बूटा सिंह जो वादा करके गए थे उन्होंने इन्होंने दसन मुताबक उन्होंने वो वादा निभाता, वो कहिंदे उन्होंने उत्ते असी रात ही कार्रवाई कर दी सी, जल्दी उहदा जो भी लैटर है जो भी फरमान आ वो तुहाडे तक पहुँचता हो जाएगा। तो इतने दस दिए कि एस जी पी सी वालों कार्रवाई कर दी गई है उन्होंने मुलाजमान के उत्ते जिन्हों की वजह न गुरद्वारा साहब के घनौने काम होए हैं, जिन्हों की वजह के नाल गुरद्वारा साहब के इतराजयोग समगरी मिली है। तो एक बार तुम्हें दिखा दिए कि इतिहासक गुरद्वारा साहब है श्री गंगसर साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छोह प्राप्त है, और इतिहासक गुरद्वारा साहब है इतने इसकी सराह के जोड़े वो गैर कानूनी काम जोड़े इतराजयोग काम करते इतों के सेवादार जिन्हों के उपर जिन्हों लैके पूरा धरना दिता गया, प्रदर्शन किया गया, तो कार्रवाई कराने तक लोग डटे रहे, तो लोगों के हजे भी मन के असी गलबात की बीबी जी ने तो उन्होंने हजे भी अखा च रोना आ रहा है कि सानू बड़ा दुख है कि जिन्हों असी धर्म संभाया जिन्होंने असी गुरुद्वारे संभाए है जो तो उही सेवादार उही लोग इतने जड़ियाँ कि गलत हरकत कर सारे के मनों ठेस पहुँचती है। तो असी इस वक्त की वड्डी अपडेट है कि उन्होंने मुलाजमान खिलाफ़ कार्रवाई कर दी है, पुलिस के 295 तहत परचा दर्ज किया गया, जानकारी ने दसिया कि पुलिस ने भी बहुत जल्दी परचा दर्ज किया, जिवें संगत का रोह से हर एक ने संगत की गल मनी है, तो संगत के दबाव हेठ सारे फैसले ले गए। कैमरा परसन हिमताज ढला के नाल मनिंदरजीत सिद्धू, लोकवाई टीवी जैतो।